तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन मोबाइल या फिर बोल सकते हो वॉरजोन मोबाइल या फिर कॉड वॉरजोन मोबाइल जो भी नाम से बोलो, तो उसका जो रिलीज डेट है उसके बारे में बात करेंगे कि आप लोगों का कॉड वॉरजोन मोबाइल जो है आप लोगों का कब रिलीज होने वाला है। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। तो मेरे को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता चला है जहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन मोबाइल या वॉरजोन मोबाइल जो है आप लोगों का कब ऑफिशियली ग्लोबली जो है आप लोगों का होल वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा। साथ में आप लोगों का उसका जो और भी जो बेटा टेस्ट वगैरह आने वाला था, जो आप लोगों का अलग अलग और रीजन्स के अंदर टेस्टिंग होने वाला था, तो वो भी कब होने वाला है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 5 जनवरी को वॉरजोन मोबाइल की ऑफिशियल्स की तरफ से यहाँ पर आप लोगों को हिंट दिया गया था। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। तो आप लोग अगर कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन मोबाइल का जो ट्विटर पेज है अगर आप उसको फॉलो करते हो तो फिर आप लोगों ने देखा होगा कि 5 जनवरी को उन्होंने एक पोस्ट डाला था, पोस्ट नहीं मतलब एक ट्वीट किया था, जहां पर उन्होंने पॉइंट नंबर 1 के अंदर बोला था कि रिलीज हैशटैग वॉरजोन मोबाइल ग्लोबली। पॉइंट 2 के अंदर बोला था हिट 35 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन। एंड थर्ड पॉइंट के अंदर बोला था ड्रॉप सम मोर सरप्राइजेस बिफोर लॉन्च। अब यहाँ पर ये जो तीनों पॉइंट्स दिया गया है, इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा आप लोग एनालाइज करोगे, तो फिर आप लोगों को खुद पता लग जाएगा कि आप लोगों का ये ग्लोबली वॉरजोन मोबाइल जो है आप लोगों का कब आने वाला है। तो मैं तीनों के तीनों जो पॉइंट्स था उनको अच्छे से देखा। अच्छे से देखने के बाद मेरे को सारे के सारे जो डाउट्स था वो क्लियर हो गया। एंड मेरे को यहाँ पर पता लग गया कि आप लोगों का कॉड वॉरजोन मोबाइल जो है आप लोगों का कब ऑफिशियली ग्लोबली जो है लॉन्च होने वाला है, तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिया गया है, 1, 2, 3। अब एक ईयर के अंदर 12 मंथ्स होता है, एंड इन 12 मंथ्स को अगर आप लोग तीन ग्रुप के अंदर डिवाइड करोगे तो फिर आप लोगों का हर एक ग्रुप के अंदर आप लोगों का 4 मंथ यहां पर आ जाएगा। मतलब आप लोगों का फर्स्ट ग्रुप के अंदर आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। सेकंड ग्रुप के अंदर आएगा मई, जून, जुलाई, अगस्त। एंड थर्ड ग्रुप के अंदर आएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब यहां पर जो तीन पॉइंट्स दिया गया है 1, 2, 3, उनको आप लोगों को पीछे से पढ़ना पड़ेगा। एंड ये जो मैंने आप लोगों को तीन ग्रुप बताया उन ग्रुप से आप लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों को जो है डेट वगैरह जो है आप लोगों का पता लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पीछे से मतलब आप लोगों का 3, 2 एंड 1 तो यहाँ पर आ जाते हैं। मैं आप लोगों को धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। तो पॉइंट 3 के अंदर क्या बोला गया था, ड्रॉप सम मोर सरप्राइजेस बिफोर लॉन्च। एंड आप लोगों का पॉइंट 3 के साथ आप लोग ग्रुप 1 को कनेक्ट करो। ठीक है, तो फिर आप लोगों का ग्रुप 1 के साथ अगर पॉइंट 3 को आप लोग कनेक्ट करोगे तो फिर आप लोगों का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों के अंदर आप लोगों का, और यहाँ पर स्नीक पिक्स आएगा। स्नीक पिक्स मतलब आप लोगों का आगे जाकर क्या क्या यहाँ पर मैप के अंदर ऐड होने वाला है, क्या क्या अपडेट्स आने वाला है, क्या क्या गेम के अंदर और ऐड होने वाला है, ये रिवील होगा। साथ में आप लोगों का इसी दौरान आप लोगों का बेटा वर्जन जो है आप लोगों का लॉन्च होने वाला है। जैसे कि आप लोगों का लास्ट टाइम को ऑस्ट्रेलिया के लिए लॉन्च हुआ था, इस बार को आप लोगों का जो है बेटा वर्जन लॉन्च होने वाला है, जहाँ पर आप लोगों का और भी ज़्यादा रीजन्स यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब दूसरे जो ऑस्ट्रेलिया के अलावा जो और जो रीजन्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा बेटा टेस्ट के लिए। तो आप लोगों का वो फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर ही होगा। एंड और भी जो न्यू चीज़ें गेम के अंदर आने वाला है वो भी आप लोगों का उस बेटा वर्जन के अंदर ऐड करके आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आप लोगों का आगे आगे और भी यहाँ पर सरप्राइजेस वगैरह आएगा। इसके बाद आप लोगों का सेकेंड पॉइंट के अंदर बोला गया है कि आप लोगों का हिट 35 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन। अब ये जो दो नंबर पॉइंट है इसको आप लोग अगर सेकेंड ग्रुप के साथ कनेक्ट करोगे तो फिर आप लोगों का आ जाता है मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो आप लोगों का मई, जून, जुलाई, अगस्त के टाइम को आप लोगों का बेटा वर्जन तो तब मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का मई, जून तक चलेगा। एंड उसी दौरान आप लोगों का गूगल प्ले स्टोर के अंदर माइलस्टोन 5 मतलब 5th माइलस्टोन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मतलब आप लोगों का अभी अगर आप लोग प्ले स्टोर के अंदर जाओगे तो फिर आप लोगों को 4 माइलस्टोन देखने के लिए मिल जाएगा। एंड आप लोगों का इसी दौरान आप लोगों का 5 नंबर यहाँ पर और एक माइलस्टोन ऐड हो जाएगा, जो आप लोगों का 35 मिलियन वाला माइलस्टोन होगा। उसको रीच करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर आप लोगों का जब गेम लॉन्च होगा तब आप लोगों का और एक 6v6 आप लोगों का मैप देखने के लिए मिलेगा, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, हिंट दिया जाएगा। क्योंकि अभी फिलहाल के लिए 35 मिलियन वाला जो माइलस्टोन है आप लोगों का गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऐड नहीं हुआ है, लेकिन उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर ऐड हो चुका है। एंड वो वाला मैप का नाम होने वाला है शूट हाउस। इस शूट हाउस आप लोगों का 6v6 कोई मोड है वो आप लोगों का तब रिवील हो जाएगा कि ग्लोबली जब वॉरजोन मोबाइल रिलीज होगा तब आप लोगों का ये शूट हाउस वाला जो मोड है वो भी आप लोगों का ऐड होगा, वो आप लोगों का हिंट दिया जाएगा। ठीक है, एंड फाइनली पॉइंट 1 मतलब रिलीज हैशटैग वॉरजोन मोबाइल ग्लोबली के साथ आप लोग यहाँ पर थर्ड ग्रुप जो है आप लोगों का कनेक्ट करोगे तो फिर आप लोगों का सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों का कनेक्ट हो जाता है। एंड इसी के दौरान मतलब सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के टाइम को ही आप लोगों का जो है
कॉड वॉरजोन मोबाइल जो है आप लोगों का लॉन्च होने वाला है ग्लोबली। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। तो यहाँ पर आप लोगों का सितंबर, अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर, चार महीनों के अंदर आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा कि आप लोगों का ग्लोबली यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। एंड अगर आप लोगों का अक्टूबर को लॉन्च होता है तो आप लोगों को सितंबर से आप लोगों को यहाँ पर ये लोग ट्रेलर वगैरह और यहाँ पर डालने लग जाएंगे। एंड अगर नवंबर में रिलीज होता है तो फिर आप लोगों का अक्टूबर से यहाँ पर और भी ट्रेलर डालने के लिए लग जाएंगे। एंड मेरे को जितना लगता है कि दिसंबर के अंदर हो सकता है कि ये लोग गेम को ना लॉन्च करें, क्योंकि आप लोगों का दिसंबर के एंड को आप लोगों का क्रिसमस ईव वगैरह होता है, तो जो सेक्टर्स होता है गेमिंग सेक्टर्स, वो लोग सारे के सारे सेक्टर्स जो होता है आप लोगों का धीमे काम करता है, राइट। तो आप लोगों का पकड़ लो कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये तीन मंथ के अंदर आप लोगों का ग्लोबली जो है, आप लोगों का इसी साल को, मतलब 2023 का बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को मैं बोलना भूल गया, 2023 का बात कर रहा हूँ, तो इसी साल को 2023 को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन तीन महीनों के अंदर आप लोगों का जो है ग्लोबली वॉरजोन मोबाइल आप लोगों का रिलीज हो जाएगा। तो ये मैंने फुल्ली एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद आप लोगों को बताया। ऐसा कोई भी कम लोग होंगे जो इतना एनालाइज करके वीडियो बनाते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड जितना हो सके वीडियो को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पर न्यू आया तो सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड पीस आउट।